हेलो गाइस, मैं आपका होस्ट कम दोस्त कार्तिक रतन और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल गतिविधियाँ दुनिया भर की में। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आपसे क्वेश्चन है कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो होता है उसमें G7 जो हमारी कंट्रीज़ है, ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज़ का, उनकी रैंक क्या है HDI यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप नीचे कमेंट बॉक्स में करिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और वीडियो शुरू करते हैं। तो ग्रुप ऑफ 7, आज हम मैं आपको वीडियो में बताऊंगा G7 ग्रुप ऑफ 7 के बारे में। तो जो G7 है वो एक ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड 7 लार्जेस्ट कंट्रीज़ की, जो वो कहते हैं, जिनको एडवांस इकोनॉमीज भी कहते हैं। तो वो मानते हैं कि उनकी इकोनॉमीज काफ़ी एडवांस्ड है। इनमें आती है कैनेडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, द UK एंड द यूनाइटेड स्टेट। अब रशिया ने इनको ज्वाइन किया था 1998 में, जिससे बन गई थी G8। लेकिन रशिया को 2014 में हटा दिया गया क्योंकि कुछ इशू हो गया था रशिया के और क्रीमिया के साथ, उन्होंने टेक ओवर कर दिया था क्रीमिया को। अब इसके बाद चाइना कभी भी मेंबर नहीं बन पाया G7 का। अब आप कहेंगे कि चाइना कितनी बड़ी इकोनॉमी है, वर्ल्ड बिगेस्ट पॉपुलेशन है चाइना की, तब भी वो G7 का पार्ट क्यों नहीं बन पाया? तो इसमें वो कहते हैं कि चाइना की जो पर पर्सन जो वेल्थ है वो काफ़ी लो है, और ऐसे से वो उसको एडवांस इकोनॉमी नहीं मानते। तो G7 मेंबर का कहना है कि इसलिए चाइना जो है वो कभी G7 का पार्ट नहीं बन पाई। अब इसके अलावा यूरोपियन यूनियन के भी जो रिप्रेजेंटेटिव थे वो इसमें आए, और इंडिया, साउथ कोरिया एंड ऑस्ट्रेलिया को भी इस साल इनवाइट कर दिया गया। और G7 का जो कॉर्नवेल मीटिंग हुई थी वो इस साल हुई थी फ्राइडे 11 जून से लेके संडे 13 जून तक। और इसमें जो कॉर्नवेल में जो आए थे लीडर्स, उनमें थे यूनाइटेड किंगडम के बोरिस जॉनसन जो कि वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं, और कनाडा के जस्टिन ट्रूडो जो कि वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं कनाडा के, उसके बाद फ्रांस के इमैनुअल मैक्रोन जो प्रेसिडेंट है फ्रांस के, उसके बाद एंजेला मर्कल जो चांसलर हैं जर्मनी की, उसके बाद इटली के मारियो ड्रैगी जो प्राइम मिनिस्टर है इटली के, उसके बाद योशिडे सुगा जो जापान के प्राइम मिनिस्टर हैं, देन उसके बाद जो बाइडन जो प्रेसिडेंट है USA के, एंड देन उसके बाद यूर्सुला वॉन डर लेयन जो है प्रेसिडेंट ऑफ द यूरोपियन कमीशन। अब यूरोपियन यूनियन है वो G7 का पार्ट नहीं है, लेकिन वो G7 की उसमें सबमिट हुई थी। अब हम थोड़ा जानते हैं G7 के बारे में डिटेल में। तो 2018 में जो G7 वो कहता है कि उसकी क्लोज टू 60% यानी अप्रॉक्स 60% जो ग्लोबल नेट वेल्थ है वो G7 के पास है, यानी $317 trillion। अब इसके बाद वो और कहते हैं कि जो 32 से लेके 46% तक जो ग्लोबल ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है वो G7 देता है, मतलब G7 के पास है 32 से लेके 46% तक ग्लोबल ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो कि GDP होती है ग्लोबल। अब इसके बाद वो जो मोस्ट मेंबर्स हैं G7 के, उनके पास ग्रेट पावर्स हैं ग्लोबल अफेयर्स में, और वो मेंटेन करते हैं क्लोज इकोनॉमिक और मिलिट्री और डिप्लोमेटिक रिलेशंस वर्ल्ड में। और अब आप कहेंगे G7 क्या है, मतलब G7 एक ग्रुप की तरह है, ग्रुप तो है ही, साथ में एक ट्रीटी, नहीं ये किसी ट्रीटी पे बेस नहीं है, और इनका कोई परमानेंट ना सेक्रेटरीट है ना कोई ऑफिस है। इसकी जो प्रेसिडेंसी है वो रोटेट होती रहती है एनुअली, जो ग्रुप है उनके पर मेंबर रोटेट होती रहती है, और जिस ग्रुप के पास यानी जिस नेशन के पास प्रेसिडेंसी होती है वो सेट करता है ग्रुप की प्रायोरिटीज़ क्या होंगी और होस्टिंग और सबमिट कहाँ ऑर्गेनाइज होगी, सब चीज़ जो करता है वो प्रेसिडेंसी जिस नेशन के पास है उस ईयर में वो ऑर्गेनाइज करता है सारी सबमिट और होस्ट करता है। अब जो इस फॉर्म का कॉन्सेप्ट आया था वो आया था वर्ल्ड मेजर इंडस्ट्रियल कंट्रीज़ के साथ, जो हुआ था 1973 ओल्ड क्राइसिस के पहले, अब 25 मार्च 1973 में जो US सेक्रेटरी ऑफ ट्रेजरी है जॉर्ज शल्ट्स, उन्होंने एक इनफॉर्मल गैदरिंग की थी फाइनेंस मिनिस्टर फ्रॉम वेस्ट जर्मनी, हेलमेट स्किमिट, फ्रांस से गिस्कार्ड जो थे सर उनके वहाँ के, और यूनाइटेड किंगडम से एंथनी बाबर। और इनकी एक अपकमिंग मीटिंग थी वॉशिंगटन DC में, जो कि US प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन ने ऑफर की थी, व्हाइट हाउस को एज ए वेन्यू रखा गया था, और ये हुई थी वहाँ की लाइब्रेरी में जो कि ग्राउंड फ्लोर पे थी। अब ये इनकी फर्स्ट मीटिंग लाइब्रेरी में थी, तो इस ग्रुप का नाम लाइब्रेरी ग्रुप भी रख दिया गया था। अब हम जानते हैं कि G7 की समिट जो UK में थी, मैं इसमें थोड़ा ब्रीफ बताऊँगा अभी इस वीडियो में, और जो अगली वीडियो मेरी आएगी उसमें आप G7 जो इस साल हुआ है समिट उसमें काफ़ी बड़े बड़े डिसीजन लिए गए हैं और काफ़ी बड़ी चर्चाएं हुई हैं, तो उसके बारे में आपको मैं अगली वीडियो में काफ़ी डिटेल में बताऊंगा, तो उसके लिए स्टे ट्यून्ड रहे चैनल पे। तो इस साल जो UK थी उसके पास थी प्रेसिडेंसी, तो उसने डिसाइड करा कि सबमिट कहाँ होगी, वैसे तो UK में होगी लेकिन सारी ऑर्गेनाइजिंग पावर थी इस साल UK के पास। तो जो मीटिंग हुई
वो हुई कार्बिस बे होटल जो सेंट डेविस कॉर्नवल में है यूके में। और जो ये रीज़न था, इसको माना जाता है कि यूके का ये ग्रीन टेक्नोलॉजी सेक्टर है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है वहाँ पर। और ये फर्स्ट टाइम नहीं था कि वर्ल्ड जो लीडर्स G7 के लीडर्स हैं उनकी बीच या रिजॉर्ट पे, बीच के रिजॉर्ट पे मीटिंग हुई है। लास्ट ईयर जो G7 की समिट थी 2019 में, वो फ्रेंच में हुई थी, जो ब्रिट्स सी साइड का मतलब टाउन है जो सी के पास है, वो फ्रेंच में हुई थी, फ्रांस में। और इसमें क्या हुआ कि काफ़ी सिक्योरिटी रखी गई, क्योंकि G7 के कितने बड़े बड़े मेंबर्स हैं, कितनी बड़ी बड़ी कंट्रीज हैं, तो सिक्योरिटी का काफ़ी ध्यान रखा गया। और कॉर्नवेल में यहाँ तक कि कई जगहें बंद भी कर दी गई, और वहाँ के जो रहने वाले हैं सेंट डेविस के जो रहने वाले लोग हैं उनसे प्रूफ मांगा गया कि सच में वो वहाँ के रहने वाले हैं कि कोई बाहर का जन आया हुआ है, क्योंकि सिक्योरिटी काफ़ी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट ओपिनियन और प्रूफ होना चाहिए उनके पास, क्योंकि इतने बड़े बड़े लीडर्स वहाँ के मीटिंग कर रहे हैं, तो यूके की इज्जत का सवाल भी था ये। अब यूके गवर्नमेंट जो थी वो कहते हैं कि वर्ल्ड लीडर को ऐसे नहीं, उन सबका कोविड टेस्ट भी हुआ वहाँ पे, ताकि बिल्कुल सिक्योरिटी और हेल्थ का ध्यान रखा जाए मीटिंग होते, समिट होते वक्त। अब ये है फ्लैग ऑफ G7 मेंबर जो कि लगे हुए हैं यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू टोरंटो में, जो कि कनाडा में है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि G7 ने 20th century में क्या, मतलब शुरुआत में थोड़ा क्या किया। अभी तो फ़िलहाल काफ़ी सारी चीज़ें आ गई हैं, लेकिन G7 की 21st century में थोड़ी बहुत हम देखते हैं ब्रीफ में इसका भी, कि काफ़ी प्रपोजल आए कि हम एक्सपेंड करें G7 को, क्योंकि जो G7 है वो चाहता है कि ज़्यादा पावर आए, क्योंकि ज़्यादा कंट्री होंगी ज़्यादा पावर हो जाएगी, पावरफुल हो जाएगा G7 और G7 का नंबर ही बढ़ जाएगा। तो जब ट्रंप की प्रेसिडेंसी थी, जो ट्रंप जी थे हमारे, उनकी प्रेसिडेंसी थी जब, तो उन्होंने कहा कि हम G7 में ऐड करते हैं ऑस्ट्रेलिया, इंडिया एंड साउथ कोरिया को, जिसको फेवर करा ब्रिटिश की गवर्नमेंट लीडर बोरिस जॉनसन ने। अब इसके बाद जो फ्रेंच ज्यूरिस्ट एंड कंसल्टेंट एरिक गार्नर, जो कि मेंबर थे सिरिल मोंटेस्क्यू के। अब ज्यूरिस्ट का मतलब क्या होता है, अ पर्सन हु इज़ एक्सपर्ट इन लॉ, मतलब जो एक्सपर्ट है लॉ में उसको ज्यूरिस्ट कहते हैं। तो उन्होंने भी कहा कि स्पेन को हम मेंबरशिप देते हैं G7 की, क्योंकि 2014 में एक US बेस्ड अटलांटिक काउंसिल हुई थी जिसका नाम था D10 स्ट्रेटजी फोरम, जिसमें रिप्रेजेंटेटिव आए थे काफ़ी बड़ी बड़ी लीडिंग डेमोक्रेसीज थे, जिनमें से थे ऑस्ट्रेलिया, कैनेडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, साउथ कोरिया, द यूनाइटेड किंगडम एंड द यूनाइटेड स्टेट्स, और इसमें यूरोपियन यूनियन भी था। और इसमें कुछ डेमोक्रेटिक नेशन जैसे इंडिया, इंडोनेशिया, पोलैंड एंड स्पेन को भी पार्टिसिपेट करा था इसमें, लेकिन एज ए ऑब्जर्वर। अब वीडियो की शुरुआत में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि जो G7 में कंट्रीज हैं उनकी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में क्या रैंक है, तो इसका आंसर मैं आपको भी देता हूँ। जापान की है 19th रैंक आउट ऑफ 189 कंट्रीज, देन कैनेडा की है 16th रैंक आउट ऑफ 189 कंट्रीज, देन यूनाइटेड स्टेट्स की है 17th रैंक आउट ऑफ 189 कंट्रीज, देन यूनाइटेड किंगडम, द यूनाइटेड किंगडम की है 13th रैंक आउट ऑफ 189 कंट्रीज, देन आती है फ्रांस की जो है 26th रैंक आउट ऑफ 189 कंट्रीज, एंड देन है इटली की 29th रैंक आउट ऑफ 189 कंट्री, एंड जर्मनी की लास्ट 6th रैंक है आउट ऑफ 189 कंट्रीज। तो फिलहाल वीडियो में इतना ही, आगे आने वाली वीडियो के लिए साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को शेयर करिए, और तब तक के लिए जय हिंद।